हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं शिराज और आप देख रहे हैं जहां का जहां ब्लॉगर। आज हम आए हुए हैं मिर्ज़ा अजीज़ कोका के मकबरा पे, जो 1579 में यानी अकबर के टाइम में बिहार के राजपाल हुआ करते। तो आइए चलिए चलते हैं और चलकर देखते हैं इनका मकबरा कि कैसा है। आइए गाइस। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये जो मैं सामने दिखा रहा हूँ ये है उरूस महल। यहाँ पे जो है एक बार साल में उरूस हुआ करता है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखिए ये पूरा हाथा जो है यहाँ पे, इसे जो है उरूस महल कहा जाता है। और जो सामने आपको दिख रहा है ये है इमामबाड़ा, ये यहाँ पर का इमामबाड़ा है। और ये देखिए ये पूरा जो हाथा है इसे उरूस महल कहा जाता है। और यहाँ पे साल में एक बार उरूस हुआ करता है। तो कभी भी आप जब यहाँ पे आएंगे तो उरूस का मज़ा ले सकते। और यहाँ से हम एंट्री किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जगह है ये बिल्कुल निज़ामुद्दीन में है और निज़ामुद्दीन के पास में है। आप यहाँ पर जब भी आएँ तो यहाँ पर आ सकते हैं। और ये मिर्ज़ा गालिब का भी इसी के अंदर है। अभी तो हम ऊपर चढ़ रहे हैं, देखिए काफ़ी तंग सीढ़ी है, बिल्कुल नैरो सीढ़ी है। इसके ऊपर चढ़ने के लिए हम ऊपर का अभी आपको व्यू दिखाएंगे कि कैसा है। तो ये देखिए अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि नीचे जहाँ से हम आए हैं जिस जगह से, ये देखिए उसका व्यू है। हम अभी इसी के अंदर से होकर के हम बाहर के लिए आए थे और अभी हम ऊपर का व्यू दिखा रहे हैं कि इस गेट के ऊपर में कैसा बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी ऊँची ऊँची सीढ़ियाँ बनी हुई है, मुझे काफ़ी पैर को उठा करके ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। मैं अभी इस जगह का उरूस महल का जो है वो व्यू मैं आपको ऊपर दिखाने के लिए आया हूँ। ऊपर से नीचे का दिखाऊंगा कि ऊपर से उरूस महल कैसा दिखता है। तो गाइस आप मेरे साथ बन रहिए, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ जो है। देखिए उरूस महल को मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए बीच में जो मैंने अभी बताया था इमामबाड़ा है, ये इमामबाड़ा भी यहाँ से दिख रहा है। और यहाँ जो कव्वाली हुआ करता है, ये देखिए यहाँ पर कव्वाली हुआ करता, तो वो भी आपको यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। गाइस ये जो दिख रहा है आपको, ये एक टैंकी है जिसमें ये पानी है। पहले ये टैंकी नहीं, ये कुआं बोल सकते हैं। इसके नीचे जो है कुआं है और यहाँ से पानी आज भी निकाला जाता है। तो अभी भी इसमें देखिए पाइप लगा हुआ है, यहाँ से पानी निकाल करके यहाँ पे यूज़ हो रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, अब मोटर के ज़रिए निकाला जाता है। तो अब हम चलते हैं अंदर। ये है 64 खम्बा जिसे हम देखने के लिए आए हैं। और ये 64 खम्बा काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, जैसा आप देख पा रहे गाइस, ये जो है बहुत खूबसूरत बना हुआ। और इसके अंदर जो है अकबर के टाइम के और शाहजहाँ के जितने भी मंत्री थे, ख़ास मंत्री थे, उन सब का इसके अंदर जो है मकबरा है। तो अभी आप देखिए मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, इसकी बनावट को दिखा रहा हूँ, देखिए कितनी खूबसूरत इस पर नक्काशी करी हुई है और जाली को भी इस तरीके से काटा गया है। और यहाँ पर देखिए जो डिज़ाइन बना हुआ है, बिल्कुल सब डिज़ाइन अलग अलग तरीके का बना हुआ। यहाँ पर देखिए जालियों का, आप देखिए जाली कितना खूबसूरत बना हुआ है और अलग अलग तरीके का इसे काट के बनाया गया। ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा जो है संगमरमर का बना हुआ, वाइट संगमरमर का। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए इसकी खूबसूरती को एक बार आप देखिए गाइस, फिर मैं आपको अंदर ले आकर दिखाऊंगा कि अंदर कैसा है। तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी अकबर और शाहजहाँ के टाइम के लोग थे, मंत्री थे, उन सबको यहाँ पर जो है दफनाया गया, यानी कि ये जो है उन लोगों का कब्रिस्तान समझ लीजिए। देखिए ये पूरा जो है अकबर के टाइम और शाहजहाँ के टाइम का ये कब्रिस्तान है। और यहाँ पे अलग अलग तरीके का मकबरा है, मज़ार है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी सबकी बनावट जो है वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से है, कोई छोटा है कोई बड़ा। देखिए मैं यहाँ पर चप्पल उतारूँगा क्योंकि ये कब्रिस्तान है, तो हम यहाँ पर चप्पल उतार के ही अंदर जाएंगे। और यहाँ पर देखिए इस कब्र की बनावट देखिए, इस पर की डिज़ाइन देखिए, ये सब जो है अकबर और शाहजहाँ के टाइम का बनाया हुआ कब्र है। और ये उन्हीं के रिलेटिव लोग का है, यानी उनके जो महल के ख़ास लोग थे, मंत्री वगैरह, ये उनके लोग हैं। और जो जिस पोस्ट के हिसाब से थे, जिस ओहदे के हिसाब से थे, उनको उसी हिसाब से यहाँ पे जो है दफनाया गया है। को जो ख़ास हैं वो इस 64 खम्बा के अंदर हैं और जो उनसे नीचे हैं उन्हें 64 खम्बा के जस्ट बगल में दफनाया गया। ये देखिए ये उनका पूरा ख़ानदान का जो है, पूरे जो उनके मंत्री हैं, ये सब का जो है यहाँ पे कब्रिस्तान है। और ये आप देख सकते हैं ये निज़ामुद्दीन में है गाइस, बिल्कुल निज़ामुद्दीन दरगाह में जैसे आप जाने लगेंगे उससे पहले ही यहाँ पे ये 64 खम्बा है। जब आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पर भी आप ज़रूर आएँ। आइए गाइस ये देखिए यहाँ का व्यू मैं आपको पहले दिखाऊँगा। ये देखिए 64 खम्बे के अंदर जो है कई मकबरे हैं और यहाँ देखिए इसकी बनावट देखिए किस तरीके से ये बना हुआ है। हम पहले इसका पूरा व्यू आपको दिखाएंगे कि ये गाइस कैसा बना हुआ, उसके बाद हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप अभी देखिए पहले कि ये कैसा बना हुआ। और इसकी जो बनावट है वो ईरानी बनावट है, पहले उस टाइम में जो है ईरानी बनावटें काफ़ी चलती थी। ये देखिए पूरा संगमरमर का बना हुआ है, वाइट कलर का, और उस टाइम में ईरानी बनावट काफ़ी पॉपुलर थी, इसीलिए ईरान से बुला करके इसे जो है डिज़ाइन किया गया था।
मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका ने ही इसे बनवाया था और ये आगा खां के बेटा थे, जो आगा खां थे ये उनके बेटा थे। इसे एक साल में बना करके कंप्लीट कर दिया गया था। ये 1623 से 1624 में बनाया गया, यानी कि एक साल में ये बनकर कंप्लीट हो गया। और ये जो आप ऊपर का देखिए, ऊपर जो है गोल गुम्बद टाइप का बना हुआ, हालांकि ऊपर कोई गुम्बद नहीं है, लेकिन इसे इस तरीके का बनाया गया कि नीचे से जो आप देखेंगे तो ये गुम्बद टाइप का दिखेगा। और ये सब एक तरीके का बना हुआ, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो इसकी खूबसूरती को आप देखते रह जाएंगे गाइस, कि ये किस तरीके का बना हुआ है और किस तरीके से इसे पत्थर को काट करके इसमें लगाया गया था, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हर तरफ आपको मेराब टाइप का दिखेगा, इस तरीके के इसे डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक के बाद एक मेराबें बनी हुई है। ये आप देख रहे फ्रेंड, ये मेरे पीछे जो है मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका का मकबरा है, जो बिहार के राज्यपाल रहे थे 1579 में अकबर के टाइम में, ये उनका मकबरा है। तो मैं आपको इसे करीब से दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है, आपको मैं इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है बिल्कुल अलग सा बना हुआ, और यहाँ पे जो है 64 खंभा है, और ये 64 खंभा जो है बिल्कुल संगमरमर का बना हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ। मैं आपको इसका व्यू दिखा रहा हूँ जैसा आप देख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं इनको करीब से, इसकी नक्काशी को देखते हैं कि किस तरीके से किया हुआ है, और इसके बारे में और भी हम जानते हैं कि ये कौन थे। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए। ये अकबर के मुंह बोले भाई थे, क्योंकि अकबर और इनका जन्म जो है एक ही साल के अंदर हुआ था, और ये दोनों जो है एक साथ खेल कूद करके बड़े हुए थे। तो ये जो आप देख रहे हैं मकबरा, ये है मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका का मकबरा, जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और इस पे देखिए कुरान की आयतें लिखी हुई है, और इस पे जो है फूलों से अलग अलग तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है, जो मैं अभी आपको करीब से दिखाऊँगा गाइस। ये देखिए इनके जो मकबरे पे जो डिज़ाइन बना हुआ है वो बिल्कुल अलग बना हुआ है। ये देखिए, ये पहला डिज़ाइन देखिए, ये इसकी बनावट जो है वो बिल्कुल देखिए अलग है, और बहुत बारीक से डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए उसके ऊपर जो है वो फूलों का डिज़ाइन बना हुआ है, और इसके ऊपर जो है वो देखिए बिल्कुल अलग डिज़ाइन है। ये बिल्कुल अलग अलग डिज़ाइनों से इनके मकबरे को सजाया गया है, और इनके मकबरा के ऊपर जो है ये देखिए कुरान की आयतें लिखी हुई है, इनके चारों तरफ कुरान की आयतें लिखी हुई है, और कुछ डिज़ाइन सा बनाया गया है, यानी इनके मकबरे को इस तरीके से सजाया गया जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि किस तरीके से इनके मकबरे को कुरान की आयतों से और फूलों से सजाया गया, और इसके ऊपर जो है देखिए काफ़ी गहरा और बहुत बारीक जो है नक्काशी करा हुआ है, और कुरान की आयतें लिखी हुई है। मैं आपको इसे करीब से दिखाता हूं, आप इसका व्यू देखिए कि ये आपको कैसा लगता है, उसके बाद मैं इसे आगे बताऊंगा। जैसा कि इनका नाम अज़ीज़ कोका है, कोका के माने होता है पालक भाई, क्योंकि ये एक पालक भाई थे। ये अतिका खां और अकबर की नर्स जीजा अंगा के बेटा थे। तो गाइस ये देख सकते हैं आप इनकी, इनका जो मकबरा है वो कितना खूबसूरत बना हुआ है। ऐसा मकबरा राजाओं का भी मैंने आज तक नहीं देखा जैसा कि इनका मकबरा बना हुआ है गाइस, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ की जो खूबसूरती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे मकबरे बने हुए हैं, उन सब पर भी कलमा लिखा हुआ, लेकिन इनके तरह जो मकबरा किसी का नहीं है, इसके तरह खूबसूरत किसी का नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे मकबरे हैं, और ये सब जो है अकबर के टाइम के गवर्नर थे, या उनका बहुत बड़ा ऊँटा पौधा ओहदा था। 1579 में इन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया था, और बंगाल के विदेश को ख़त्म करने के लिए, बंगाल में कुछ आक्रमण हो रहा था, कुछ जंग हो रहा था, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्हें वहाँ पोस्ट मिला था, लेकिन ये वहाँ पे टिक नहीं पाए, और वहाँ से ये एक साल के अंदर ही वापस दिल्ली आ गए थे। तो गाइस अब हम चलिए चलते हैं, यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब साहब का मकबरा है, तो हम यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब साहब के मकबरा को देखने के लिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है बहुत बड़े शायर हैं मिर्ज़ा गालिब साहब। ये देखिए ये सामने जो दिख रहा है ये मिर्ज़ा गालिब साहब का मकबरा, ये उसके अंदर का पूरा हाता है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिर्ज़ा गालिब साहब को कौन नहीं जानता, ये उर्दू और फारसी के बहुत बड़े शायर थे। यहाँ पे देखिए उनके रिलेटिव लोगों का, मिर्ज़ा गालिब साहब के रिलेटिव का
मकबरा है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये है मिर्ज़ा गालिब साहब का मकबरा। इसके अंदर मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके का बना हुआ। तो फ्रेंड ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है मिर्ज़ा गालिब साहब का मकबरा, जो बहुत बड़े उर्दू के शायर थे और जवाब हाजिरी में बहुत एक्टिव थे। तो ये है मिर्ज़ा गालिब। तो मैं आपको दिखाता हूँ मिर्ज़ा गालिब साहब के बारे में और बताता हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मिर्ज़ा गालिब के दादा शकरकंद से भारत आए थे, और मिर्ज़ा गालिब जो है वो आगरा के रहने वाले हैं। और ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं, ये उनका मकबरा है जो काफ़ी छोटा ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये वो शायर हैं जिन्हें किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं। और इनके अंदर का देखिए बनावट, ये किस तरीके का बना हुआ है, और ये है इनका मकबरा। ये मकबरा बिल्कुल मार्बल का बना हुआ, वाइट मार्बल से बना हुआ है, और इसके ऊपर जो है कुछ खूबसूरती सी कलाकारी करी हुई है, जैसा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे इनके मकबरा पे जो है फूल बना हुआ है, और इसके ऊपर भी जो है फूल से डिज़ाइन किया हुआ है, और इनके जो सिराने में है यहाँ पर एक फूल से फूल ऐसा बना हुआ है, और सामने में कुछ लिखा हुआ है अरबी में जो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये देखिए ये है मिर्ज़ा गालिब साहब का मकबरा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है निज़ामुद्दीन में ही है और 64 खंबा के पास में ही है, सब एक ही हाथी के अंदर पड़ता है। और गाइस ये जो है बहुत बड़े शायर थे और जवाब हाजिर थे, और ये जो है आगरा की इनकी पैदाइश थी, और ये दिल्ली आए थे। ये नवाब ख़ानदान से थे, लेकिन इनका वक्त जो है बहुत बुरा कटा है, ये पैसे पैसे के मोहताज हो गए थे, और अंग्रेज़ों ने इनका जो जितना भी संपत्ति था वो सब पर कब्ज़ा कर लिया था। इनका आखिरी टाइम जो है वो काफ़ी बुरा कटा। और ये देखिए इनके अंदर का जो ये हाथा, मैं आपको उसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, ये मैं आपको दिखाने। और ये जो है लाल वलवा पत्थर का बना हुआ है गाइस, ये देखिए आप, और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये सामने जो है इनका कुछ लिखा हुआ यहाँ पर बैठने के लिए भी लोगों का बना हुआ है। और सामने में मिर्ज़ा गालिब साहब का जो है दो लाइन का शेर लिखा हुआ है, जैसा कि आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए सामने में जो है उर्दू और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। ये फ्रेंड हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, ना होता तो क्या होता। वाह, ये शेर लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये जो है उर्दू और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। ये देखिए मैंने अभी आपको दिखाया मिर्ज़ा अजीज़ खोका का मकबरा और मिर्ज़ा गालिब का मकबरा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो दिखाया हुआ वीडियो है वो आपको पसंद आता होगा। अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये ब्लॉग होता मेरा यहीं पे ख़त्म। अब हम चलेंगे एक नई खोज की तरफ, अब हमारे साथ बने रहें।